एंड आज हम बनाने वाले हैं शक्कर पाला। तो आप मेरा वीडियो शुरू से पूरा देखें तो शक्कर पाला बहुत खस्ता और एकदम हलवाई के जैसा आप घर में ही बना सकते हो, और एकदम जैसा हलवाई बनाते हैं वैसा ही आप घर में ही बना के ये शक्कर पाले बना सकते हो। फ्रेंड, बनाने में बहुत आसान है और घर में इजी बन जाती है। तो ये देखिए हमारे शक्कर पाले कितने खस्ते बने हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने कैसे बनाया। तो पहले ये देखिए, पहले हम आपको सर्व करके भी दिखा रहे हैं शक्कर पाले को। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो वीडियो को पहले लाइक शेयर फॉलो कमेंट जरूर करें, और बेलम आइकन भी ज़रूर दबाइए कि आपको हर वीडियो आने वाला नई नई मिल सके। और बताइएगा कमेंट में कि आपको हमारा खाना कैसा लगता है। और फ्रेंड सबको शेयर किया कीजिए, और सबको शेयर कीजिए और बताइए। तो चलिए फ्रेंड, हम ये शक्कर पाले देखिए, हमारे शक्कर पाले इतने छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हो, और ये तो सबको बहुत पसंद है। अभी होली दिवाली में बना के आप घर में ही रख सकते हो, एकदम हलवाई की जैसे हमने शक्कर पाला बनाया है। तो लाजवाब खाने में लगता है और ललीज लगता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने 2 बॉल मैंने आटा मैदा ले लिया है। 2 चम्मच हम मैदा ले लेंगे इसी इसी से, और मैंने आधी चम्मच ऑयल ले लिया है। इसमें हम नमक डालेंगे, मीठा सोडा डालेंगे और तेल ऑयल डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे आटे को। आटे को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है कि आपको जो मैंने डाला है मैदा और मैंने सोडा डाला है, नमक डाला है, तेल डाला है, तो सबको अच्छे से एकदम मिक्स होना चाहिए। तो ये देखिए हमारे आटे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और एक बार आप मुट्ठी बांध के देख लीजिए। तो ये देखिए हमारे आटे आटे अच्छे से एकदम मुट्ठी बांध रहे हैं। तो चलिए हम इसको, अब आटे को हल्का हल्का पानी डाल के आटे को सान लेंगे हम। आपको ये ध्यान रखना है आटे को ज़्यादा गीले नहीं करना है, नहीं तो आपके शक्कर पाले अच्छे नहीं बनेंगे। और फ्रेंड अगर शक्कर पाला आपको एकदम खस्ता चाहिए तो पानी आप हल्का हल्का ही डालें, और आटे को हल्के हल्के हाथ से ही सानें, तब जाके आपके शक्कर पाले अच्छे बनेंगे और खाने में एकदम यम्मी और टेस्टी लगता है ये शक्कर पाला। तो ये देखिए हमारे आटे भी गूंद गए हैं, तो हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे आटे को, कि रेस्ट करेगा ये। तो ये देखिए मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया है आटा को, रेस्ट हो रहा है। तो चलिए हमारे 10 मिनट हो गए हैं, हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे आटे कितने सॉफ्ट बना है। तो हम इसको पहले हम लोई में काट लेंगे। आप 4 लोई करेंगे हम, इसे आप हिसाब से लोई काट सकते हो। और आपको पता है शक्कर पाला थोड़ा मोटा ही रहता है, ज़्यादा आप पतला करोगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। इसी फ्रेंड आप पतला भी शक्कर पाला बना सकते हो, लेकिन मोटा ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए मैंने बेल लिया है, बेल के हम कटिंग करेंगे। आपके पास पिज्ज़ा वाला, पिज्ज़ा जिसे काटे वो है, तो उससे आप कटिंग करो, उससे बहुत जल्दी कट जाती है, लेकिन हम चाकू से काट रहे हैं। अगर किसी के पास पिज्ज़ा कटर नहीं है तो वो कहाँ से, इसलिए हम चाकू से काट रहे हैं फ्रेंड। कि अगर आपके पास चाकू हो तो आप चाकू से भी कट कर सकते हो। तो ये देखिए हम कटिंग कर लेंगे। आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से बड़ा भी बना सकते हो, तो हम छोटे छोटे बना रहे हैं, अपने हिसाब से आप कट कर सकते हो। तो हम इसको कट कर लेंगे, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कट कट कर लीजिए। और ये शक्कर पाले खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप इसको स्टोक करके भी रख दें, ये ख़राब दम नहीं होते हैं फ्रेंड। और त्यौहार में तो ये ज़रूरी है, मेहमान भी घर में आते हैं तो मेहमान को सर्व करिए, बहुत अच्छा लगता है। अपने घर में ही आप बना के बहुत तरह की डिश, बहुत ये बना के स्टोक भी करके रख दोगे तो ख़राब दनी को नहीं होता है, क्योंकि सूखी चीज़ें हलवाई लोग भी आप देखते ही होंगे, वो सब बना के रखते हैं तो उन लोग का भी ख़राब नहीं होता है। तब हलवाई के जैसा आप घर में ही अपना बना के रख सकते हो, मेहमान को भी सर्व कर। ये देखिए हमारे सब कट हो गए हैं। तो चलिए अब मैंने पैन बिठा दिया, फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए मैंने पैन बिठा दिया है, तो हम इसमें एक एक करके डालेंगे, देखेंगे ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है ना, ये तो ऑयल उछल जाते हैं, फिर हाथ जलने का डर रहता है, तो आप ध्यान रखें। तो हम ऑयल में हम हल्का हल्का करके डालेंगे, डाल के इसको अच्छे से हम चला लेंगे। ये देखिए हमारे अच्छे से, ये क्या है ना, ये शक्कर पाले अच्छे से एकदम खस्ते बने हैं, और आँच को धीमा ही रखा है हम। लास्ट में थोड़ा आँच हम तेज करेंगे, फिर उसके बाद धीमा करेंगे, क्योंकि शक्कर पाले अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी बने और बहुत खस्ता बने और एकदम सॉफ्ट बने ये शक्कर पाला। आप घर में ही शक्कर पाला फ्रेंड बना के आप मेहमान को सर्व करें, मेहमान कितने खुश होंगे। और आप बाहर से जो मिठाइयाँ मंगाओगे
वो आप घर में ही बना के रख सकते हो। ये देखिए हमारे शकरपाले बन गए हैं, तो हम इसको अब निकाल लेंगे। मैंने शकरपाले सारे तल लिए हैं, तो हम निकाल लेंगे इसको। और ये देखिए ऐसे ही शकरपाला आपको तल के निकालना है, ज़्यादा आप लाल कर दोगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। और ये देखिए मैंने सारे तल लिया है, अब दूसरा बार हमें डाल रही हूँ, दूसरों को भी मैं फ्राई कर लूँगी। अब हमारे सारे फ्राई हो गए हैं, तो ये देखिए मैंने बॉल में निकाल लिया है। अब मैं एक कटोरी शक्कर लेंगे, शक्कर को हम कढ़ाई में डाल देंगे। मैंने पहले ही कढ़ाई बिठा के रखा था, तो हम कढ़ाई में शक्कर डाल देंगे। इसमें हम आधी कप पानी डालेंगे कि शक्कर को हमको ज़्यादा वो सफ़ेद शक्कर बनाना है जो चाशनी, तो इसलिए हम पानी इसमें कम डालेंगे। और इसको चलाते रहिए, ये शक्कर चिपक ना जाए, इसको चलाते रहना है। जब ये पाउडर जैसा बनने लगेगा तभी आपको वो शक्करपाले इसमें डालना है और डाल के चलाना है 10 मिनट के लिए इसको। ये देखिए हमारे शक्कर तैयार हो गए हैं, हम 5 मिनट और पका लेंगे इसको। ये देखिए हमारे अभी शक्कर दिख रहे हैं, तो ये देखिए हमारे शक्कर दम तैयार हो गए। वो देखिए लाइन बने हुए सफ़े सफ़े, तब हम डाल लेंगे शक्करपाला को। डाल के हिला लीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, और ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। ये ठंडा जैसे हो गया आपके शक्करपाले एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखेंगे, हलवाई की जैसे आप घर में ही बना के खा सकते हो। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे हो तो वहाँ भी फॉलो करें और बताइएगा खाना आपको कैसा लगता है। तो चलिए फ्रेंड आपको हम सर्व करके भी दिखाते हैं। ये देखिए हमारे शक्करपाले, तो हमारे डिश बन के एकदम तैयार हो गया। ये देखिए हम तोड़ के भी आपको दिखा रहे हैं, इतनी क्रिस्पी बनी है। और ये देखिए मुंह में जाती घुल जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड, तब तक से बाय।